तो जर्मनी में रहने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या क्या लिविंग कॉस्ट यहाँ पे, क्या क्या खर्चे होते हैं, वो आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और आपको पूरी जानकारी अगर चाहिए तो वीडियो के एंड तक बने रहे, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले आ जाता है जर्मनी में जो सबसे खर्चा होता है, एक रेंट है, उसके बाद यहाँ गया ग्रोसरी आ गया, आपका शॉपिंग आ गया, ट्रेवलिंग आ गया, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, उसके बाद इंटरटेनमेंट करने के लिए आपको नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये अगर लेते हैं वो आपका आ गया, इंडिया जा रहे हो तो वो आपका आ गया, यूरोप घूम रहे हो तो वो खर्चे आ गए। तो ये जो मोटा मोटी है ना एवरेज खर्चा आज आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। जर्मनी आ रहे हैं तो जर्मनी में आने से सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, तो रहने के लिए छत ढूंढेंगे, घर होना चाहिए। तो यहाँ पे घर बहुत बवा कॉस्टली मिलेगा आपको, और घर आपके सैलरी से ना एक तिहाई तो आपका सैलरी आपका घर में ही चला जाएगा। घर का देखिए यहाँ प्राइस जो रहता है ना बहुत चीजों पर डिपेंड करेगा। आप सिटी में है, सिटी से बाहर है, और जर्मनी के कौन से सिटी में है इस पे भी रहता है। जैसे अगर आप चले गए फ्रैंकफर्ट में, म्यूनिख में, स्टुटगार्ट में, तो लूटने के ज्यादा चांसेस हैं। आप अकेले हैं, स्टूडेंट हैं कि फैमिली के साथ हैं, फैमिली वाले हैं तो उनको ज्यादा थोड़ा लगेगा खर्चा, ये तो ऑब्वियस है। कितना बड़ा आप ले रहे हैं, आप जो है ना मेन सिटी के अंदर रह रहे हैं या मेन सिटी से थोड़ा सा बाहर रह रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। हमारा जो लास्ट हाउस था कार्लसरुहे में, उसका हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। उसका साइज था, लिविंग एरिया जो हम लोग का था वो अराउंड 70 स्क्वायर मीटर था, और उसका रेंट हम लोग जो है 1200 यूरो देते थे। तो कार्लसरुहे में ये एवरेज है। अगर आप 70 स्क्वायर मीटर का घर खोजोगे ना तो 1100 से लेकर 1400 तक का ये एवरेज आपको मिलेगा। अगर आप बड़ी सिटी में देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल म्यूनिख में, तो आप सेम जो है आपको 1300 से 1500 लग जाएगा। मैं अब आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे रेंट का ना कितना कितना तरह का कंपोनेंट होता है। तो हमारा जो 1200 यूरो था उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी हटा देते हैं, अभी 100 यूरो, तो ये बच गया 1100 यूरो। इसको बोलते हैं वार्म मीटे, ये जर्मन में है मतलब कि वार्म रेंट। और इसमें से हमारा जो है ना 250 यूरो ये था नेबन कोस्टिंग। ये भी समझाएंगे नेबन कोस्टिंग क्या होता है ना, कि ये मेंटेनेंस चार्जेस जैसे इंडिया में हम लोग देते हैं, और मेंटेनेंस चार्जेस में आपको ना बहुत कुछ रहता है इंक्लूडेड। जैसे अगर आपका गार्डन है तो गार्डन का जो है ना क्लीनिंग, अगर आपका अपार्टमेंट है तो उसका जो है ना क्लीनिंग, अगर आपका फिर यहाँ पर आपको क्या होता है ना कि कचरा लेने के लिए आता है तो कचरा का जो है मैनेजमेंट वो भी आपको नेबन कोस्टन में आता है। नेबन कोस्टन में फिर आपको पानी का भी जो है ना बिल रहता है वो भी इसी में आता है। तो हमारा ये 250 यूरो में सारा कुछ मेंटेनेंस चार्जेज, पानी का चार्जेज और जो भी मिसलेनियस चार्जेज रहता है ना, ये 250 यूरो में नेबन कोस्टन में था। तो 1100 में से 250 यूरो चला गया तो बच गया आपको 850 यूरो। इसको यहाँ पे बोलते हैं काल्ट मीटे, बोले तो कोल्ड रेंट। ये जो 850 यूरो है ना ये सीधा ओनर के पॉकेट में जाएगा, ठीक है, और जो मेंटेनेंस चार्ज था 250 वो ओनर के पास नहीं जाएगा, ये चार्जेज में चले जाते हैं, और 100 यूरो आपको इलेक्ट्रिसिटी। तो टोटल 1200 यूरो हमें लगता था उस घर में। ये रेंट का पूरा कंपोनेंट हमने समझा दिया है, कोल्ड रेंट प्लस नेबन कोस्टेन, ये दोनों मिला के हो गया आपका वार्म रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी, तो हो गया टोटल रेंट। ये तीन कंपोनेंट है। और यहाँ पे रेंट में एक चीज और होता है कि ईयर के एंड में आपका जितना भी आपने खर्चा किया है नेबन कोस्टेन में, वाटर, हीटिंग, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये इन सारे चीज़ों का ना आपको चेक करेगा कि आपने रियली में कितना यूज किया है। आप जो मंथली दे रहे हो और जितना रियल में यूज हुआ है वो साल के एंड में पूरा कैलकुलेट होगा। अगर आपने ज़्यादा यूज किया है तो आपको जो है ना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे साल के एंड में, लेकिन अगर मानिए आपका कम हुआ है तो आपको जो है ना मनी बैक होगा। तो यहाँ पर जो है पूरा ट्रांसपेरेंसी रहता है, आपने जितना भी पैसा दिया है उसका सेटलमेंट होने के बाद आपको पूरा पैसे का हिसाब होता है। ये रहा हमारा रेंट का खर्चा। नेक्स्ट यहाँ पर जो खर्चा आपके पॉकेट से जाता है एक बहुत बड़ा अमाउंट मंथली, ये होता है इंश्योरेंस का खर्चा। बाबा तो रेंट के बाद दूसरे नंबर में हम लोग इसी को रखेंगे। इसमें बहुत तरह का इंश्योरेंस है। एक तो बहुत जरूरी इंश्योरेंस यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस। इसके अलावा आपके ऊपर है कि आप लाइफ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं कि नहीं। कार अगर है तो कार का इंश्योरेंस में तो आपको पैसे लगेंगे ही लगेंगे, वो भी अच्छा खासा रहता है, पूरा एग्जाम्पल हम लोग देंगे। उसके बाद एक और जरूरी इंश्योरेंस है हाउस राइट फर्सिक रूम, मतलब कि घर के अंदर का सामान का कुछ भी अगर डैमेज हुआ
ग्लास का इंश्योरेंस, हाँ तो ये सारे इंश्योरेंसेस हैं। हम आपको एग्जांपल एक देंगे ना लाइबिलिटी इंश्योरेंस का। यहाँ पे ज्यादातर लोग ये इंश्योरेंस लेते ही लेते हैं, और हमें भी इनफैक्ट पिछले घर में ना हमारा ओनर ने बोला ये इंश्योरेंस आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप इस घर में आना चाह रहे हो। तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकते हैं कि मानिए आपके बच्चे से ना क्या हुआ, उसने फुटबॉल खेल रहे हैं और किसी का घर का शीशा टूट गया या कार का शीशा टूट गया, तो इन सब तरह का जो है ना दुर्घटना जो कवर हो सकता है इस इंश्योरेंस में, ये बहुत ही जरूरी इंश्योरेंस है होता है। तो ये सारे जो है इंश्योरेंस आप जरूर आपको फैक्टर जो है ना रखना पड़ेगा कि खर्चे में अपने मंथली जो होता है हिसाब उसमें रखना पड़ेगा ही। मैं क्या करता हूँ ना, एक आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कि लगभग जो है आपको कितना खर्चा होगा। फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, इसमें आप मान लीजिए ना कि आपको ये ईयरली प्लान होता है, ठीक है, तो 60 to 70 यूरो आपको ईयरली होगा, तो 5 यूरो पकड़ लीजिए आप 1 मंथ में। ये भी डिपेंड करता है ना कि आप कितना का कवर करवा रहे हैं, कि अगर आपने 1 मिलियन का जो है ना आपसे कुछ हो गया नुकसान, तो 1 मिलियन तक वो कवर कर सकते हैं, ठीक है, रफली 5 यूरो इसको मंथली पकड़ लेते हैं। फिर घर के अंदर का, ठीक है, ये थोड़ा जो है कॉस्टली होता है, इसको 20 यूरो जो है ना रफली रख लेते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस, ये तो अब आपके ऊपर है कि आप कितना जो है ना कवर करवा रहे हैं, इसको मान लीजिए कि 10 यूरो रख लीजिए। फिर कार में भी जो है ना, अगर आप कार रखते हैं ना, तो कार का इंश्योरेंस में आपको अच्छा खासा जाता है। ये हो सकता है आपको ईयरली 700 to 1000 यूरो, कभी कभी तो 1200-1300 यूरो भी चला जाता है। तो इसको जो है हम लोग रख लेते हैं रफली मंथली कितना हो गया, 75 to 100 यूरो आप मंथली जो है ना रख लीजिए कार इंश्योरेंस में। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि लॉयर इंश्योरेंस भी रखते हैं कि अगर कुछ हुआ, क्योंकि जर्मनी में बहुत ही महंगा होता है लॉयर, लॉयर इंश्योरेंस होने पे लॉयर के सारे खर्चे वो इंश्योरेंस कवर करता है। इसको आप मोटा रफली 20 to 25 यूरो मंथली रख लीजिए। तो आपको पता है रफली जो है ना मंथ में आपका 125 यूरो से लेके 150 यूरो आपका एक चंक पूरा इंश्योरेंस में जाएगा बाबा। तो नेक्स्ट आता है हमारा रेडियो, टीवी, इंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ। अगर आपके घर में रेडियो है, टीवी है, देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, फिर भी आपको पे करना ही करना है। हम एग्जांपल बताते हैं, जब हम फ्रैंकफर्ट में आए थे नए नए, उस समय ये कोई चार्ज नहीं था रेडियो वगैरह टीवी का, और उस समय ना सबके पास टीवी नहीं होता था, बहुत कम घरों में टीवी उस समय होता था, और जिसके घर में होता था वो लोग क्या करते थे, शटर डाउन करके देखते थे। तो अब क्या है ना, मैंडेटरी हो गया, आपके पास टीवी है नहीं है, रेडियो है या नहीं है, देखते हो नहीं देखते, आपको मंथली 17 यूरो 50 सेंट पे करना ही करना है। तो ये थोड़ा सा आपका ये जो है ना 17 साढ़े 17 यूरो ये बढ़ गया है, पहले नहीं था। और यहाँ पे ना आप जैसे मंथ में भी दे सकते हैं एवरी मंथ, नहीं तो 3 मंथ में भी आप दे सकते हैं। जैसे हम लोग का 3 मंथ का प्लान है, तो हम लोग 3 मंथ में पे करते हैं। और इंटरटेनमेंट अगर आप करना चाहते हैं, जैसे आप ना सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं अमेजन, नेटफ्लिक्स, येप टीवी, तो ये सब का भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अगर एंटरटेनमेंट के शौकीन हो, मूवी देखना चाहते हो, तो जैसे हम नेटफ्लिक्स का लिए हुए हैं, अमेजन का लिए हुए हैं, जी का लिए हुए हैं, बालाजी का लिए हुए हैं, ये ना अराउंड हमारा सबका ना 10 यूरो कुछ है, टोटल जो है ना 35 यूरो हमारा ये इंटरटेनमेंट पे बैठ जाता है। तो आपके ऊपर है, आप नहीं देखिए टीवी, अगर एक लेना है तो एक लीजिए, तो यहाँ पे आप बचे बचा सकते हैं कुछ पैसे। तो हमारा मंथ में 35 यूरो जाना ही जाना है। अगला हमारा जो जाता है खर्चा वो है इंटरनेट, मोबाइल फोन, हाँ सिम कार्ड, ये इन सब का जो है ना हम लोग थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे नए नए आए हो तो आप जो है फोन शॉप में जा सकते हो, वहां से जो है डायरेक्ट अपना ये खरीद सकते हो सिम कार्ड। इंडिया कॉलिंग के लिए जो है ना बहुत सारे यहाँ पे सिम कार्ड आते हैं जो आपको 1 सेंट में परमिनेंट का होता है। हम लोगों ने क्या किया है ना कि हम लोग वोडाफोन से ही डायरेक्ट ऑनलाइन सिम कार्ड हम लोगों ने ऑर्डर किया है, और हम लोग प्रीपेड ही यूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल बताते हैं कि हम लोगों का 10 यूरो मंथली लगता है, जिसमें 3 GB आपको डेटा मिलता है, और पूरे जर्मनी में हमारा फ्री है बात करना, बात करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, वो पूरा फ्लैट है। आप लोग ना देख सकते हैं कि आपको कितना कौन सा प्लान चाहिए। अगर आप ज़्यादा यूज कर रहे हो डेटा का तो आप ज्यादा का ले सकते हो, लेकिन हाँ रफली आप 10 यूरो पकड़ लो, ये तो 10 यूरो आपको लग गया एवरी मंथ फोन में। इसके बाद इंटरनेट, इंटरनेट में भी ना यहाँ पे बहुत सारे प्लान आते हैं कि आप 1 GB
का स्पीड वाला ले रहे हो इंटरनेट, या 500 Mbps, या 250 Mbps, या 100 Mbps, जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो हमारे केस में हमने 250 Mbps स्पीड का जो है ना यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है, इसका हम लोगों को 40 यूरो पर मंथ लगता है। अगर आप जो है ना दो लोग हैं एक घर में, तो आप लोग रफली जो है ना 70 यूरो के लगभग आप रख लीजिए कि आपको इंटरनेट और मोबाइल में आपको लगेगा। हम लोगों ने ना इंडिया कॉलिंग करने के लिए कोई ऐसा स्पेशल सिम नहीं लिया है। बहुत सारे सिम में भी आता है कि इंडिया कॉल करोगे ना तो उसका प्राइस कम रहता है। हम इंडिया कैसे बात करते हैं, या तो व्हाट्सएप से कर लो, या तो स्पेशल कंडीशन में जब इंटरनेट नहीं है इंडिया में, तो उसके लिए हम लोगों ने ना वॉइप लिया हुआ है। वॉइप में कुछ पैसे डाले हुए हैं, बहुत तरह के यहाँ पर आपको ना वॉइप मिलेगा, ठीक है, रिंगा हो जाएगा, रेपटेल हो जाएगा, इस तरह में आप लोग जो है ना सब्सक्रिप्शन उसका ले सकते हो। हम लोगों ने एक का सब्सक्रिप्शन ले के रखा हुआ है कि कभी इमरजेंसी में अगर इंटरनेट नहीं है इंडिया में ना हमारे फैमिली वालों के पास, तो हम इसका जो है ना यूज़ करते हैं। तो इसमें भी जो है ना आप रख लो 3 मंथ में जो है ना आप 10 यूरो रख लो। तो चलिए अब आ जाते हैं खर्चा में। एक और खर्चा है जो आपको करना ही करना है, वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन, जो आपको कहीं भी जाने के लिए वो आपको लेना ही पड़ेगा। सपोज मान लेते हैं ऑफिस जाने, आपका ऑफिस दूर है, उसके लिए तो एक मंथली पास चाहिए ही चाहिए। अगर आपका ऑफिस पास में है, घर के पास में, तो साइकिल वॉक करके जा सकते हैं, लेकिन आपको ना ट्रेवलिंग करने के लिए एक मंथली पास तो बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मंथली पास का जो कॉस्ट होता है वो होता है 90 to 120 यूरो होता है। डिपेंड करता है कि आप किस जोन का टिकट ले रहे हैं। हमारे एरिया में इधर बादन-उटनबर्ग में हमारे कालसरू में जोन पे होता है, 2 जोन, 3 जोन, 4 जोन, 5 जोन ऐसे होता है, उस पर ना प्राइस इंक्रीज होता है, और 9 बजे के बाद भी होता है। अगर 9 बजे के बाद टिकट ले रहे हैं ना तो आपको कुछ सस्ता पड़ता है। और मंथली पास जो आप बनाते हैं, ईयरली पास अगर बना ले, साल में एक ही बार टिकट ले ले, अगर मंथली पास जो लेते हैं वहां पे भी आप पैसे कुछ बचा सकते हैं। और साथ ही हमारे एरिया में कालसरुए में है पार्टनर कार्ड, एक ही घर से कार्ड इशू होता है, एक का पूरा पेमेंट करना पड़ता है और पार्टनर का जो होता है वो आपको हाफ प्राइस लगता है। तो ये सब बेनिफिट है। तो जब टिकट ले, मंथली पास तो चाहिए चाहिए, तो ये सब ना थोड़ा सा डिटेल में जानकारी ले लें कि कितना लगेगा। और एक बार जब मंथली पास आपका बन गया तो आप किसी भी ट्रेन, ट्राम, बस में सफर कर सकते हैं, ये वैलिड रहता है, और अपने सिटी में कहीं भी, जिस जोन का आप ले रहे हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन का। अगर आप कार ले रहे हो, अगर आपके पास कार है, जैसे हमारे पास कार है, तो कार जैसे हमने लोन पे लिया है, कार के साथ आपका इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस होता है, ऑयल उसमें भरवाते हैं, उसके बाद आपका रोड टैक्स हो जाता है, तो मतलब ये सब ओवरऑल मिला के हमारा 500 बैठ जाता है। अगर आप मान लो कार लियो, पूरा पेमेंट खुद कियो, लोन पे आपका कार नहीं है, फिर भी अराउंड आपका 300 यूरो होगा ही होगा, रोड टैक्स वगैरह सब कुछ जोड़ के मंथली इतना आप लेके ही चलो, ये कहीं नहीं गया। तो ये ट्रांसपोर्टेशन एक जो होता है ना, बड़ा अमाउंट लग जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बहुत बड़ा खर्चा बताने वाले हैं ट्रेवलिंग का। ट्रेवलिंग बोले तो वेकेशन पे जाने का, ठीक है। अगर आप जो है ना भैया स्विट्जरलैंड जा रहे हो पूरी फैमिली के साथ, तो 1500 यूरो रख लो लगभग, मैं बता रहा हूँ कम से कम, ठीक है। अगर आप वहाँ एक सप्ताह रहोगे तब तो 2-3 हजार रख लो। यही है मतलब कि आप ना कौन से जगह में जा रहे हो, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। यूरोप घूम रहे हो, यूएस घूमने जा रहे हो, साल में इंडिया जा रहे हो, कितने बार इंडिया जा रहे हो। अगर हम लोग एक बार इंडिया जाते हैं ना, तो हमारा जो है 3000 यूरो तो भैया क्या बताएं, खाली टिकट में लग जाता है। 2 से 3 हजार आप टिकट में रख लो, उसके अलावा और जो खर्चे होते हैं उसको तो छोड़ ही दो, जो बीवी की कृपा हो, बाल बच्चों की कृपा से गिफ्ट ले जाना इंडिया, गिफ्ट इंडिया से सामान लेके आना, ये सब भी तो खर्चे ही है। हाँ, तो बाल बच्चे हैं और बीवी की कृपा से जितना खर्चा हो, लेकिन मिनिमम आपको ना यहाँ टिकट में 2000 आप रख ही लोगे, 3 लोगों का लग जाता है अगर फैमिली आप जा रहे हो ना, इतना आपको इंडिया जाने में टिकट का लग जाएगा। और वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितना घूम रहे हो। यहाँ पे वेकेशन जर्मनी में ना लोग करते हैं, ठीक है, अच्छा वेकेशन करते हैं, तो उसके लिए भी आप साल में पूरा 2-3 हजार यूरो तो रख लीजिए कि वो आपको लगेगा ही लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप जोड़िएगा ना तो साल में आपको इतना 3 हजार यूरो लग जाएगा, आपको एवरेज रख लीजिए। तो अगर आप ट्रेवलिंग का है ना ईयरली छोड़ के अगर मंथली बताएं, तो 200 यूरो जो है ना एवरेज उसको रख लीजिए आप। यहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग, ग्रोसरी जो हमारा खर्चा होता है ना वो कितना होता है, एक ये ना एवरेज बता रहे हैं, क्योंकि
ग्रोसरी ऐसा शॉपिंग है ना, खर्चा इसमें जिसमें मतलब आप कितना खर्च करते हो ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहाँ से क्या लाते हो, महंगे शॉप से लाते हो कि थोड़ा सा जो प्राइस ठीक है उस शॉप से लाते हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। ये एक ना एक बेसिक प्राइस हम बता रहे हैं। तो ग्रोसरी खर्चे में आप ना 400 to 500 रख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पे ग्रोसरी दो तरह का, एक जर्मन सुपर मार्केट जो होता है जहाँ पे आपको डेली यूज का दूध है, दही है, बटर है, ऑयल वगैरह ये सब मिलता है, और एक होता है इंडियन। इंडियन है तो इंडियन फूड तो चाहिए ही चाहिए, तो वो आपका 100 to 150 यूरो रख लीजिए, जिसमें आपका ना मंथली राइस, दाल, आटा, मतलब छोले वगैरह जो भी, या फिर वहाँ पे स्नैक्स जो आते हैं इंडिया का, हल्दीराम का, वो सब, तो मतलब ये और सरसों वगैरह तेल, ये सब आप ना इंडियन ग्रोसरी में ही मिलता है, आपको जर्मन सुपर मार्केट में नहीं मिलेगा। तो उसका अगर आप मंथली अगर सब कुछ मंगाते हो तो 100 से 150 यूरो लगेगा, तो ये आपका इनफ। और ये भी डिपेंड करता है कि आप सिंगल हो, फैमिली हो, या फिर दो पर्सन कपल हो, तो यहाँ पे उस पर भी ना प्राइस, इनके बच्चे वाले के घर में बहुत खर्चे होते हैं, तो खर्चा का ना कोई अंत नहीं है, आप जितना खर्चा करो वो कम ही लगता है। और इसमें दूसरा फैक्ट रखते हैं, अगर आपको बाहर खाने का है, अगर आप बाहर खाते हो रेगुलरली, तो उसमें आप 100 to 120 यूरो रख लो, 100 to 120 यूरो रख लो। तो अगर मान लीजिए एक बार आप लोग कपल हैं, अगर एक टाइम बाहर खाते हैं, तो आपको 25 to 30 यूरो लगेगा ही लगेगा। और रहा उसके बाद आता है शॉपिंग, तो शॉपिंग ऐसा चीज है ना कि मतलब ये जो है ना, जितना बंद करके रखोगे ना उतना सेव करके रख पाओगे, और जितना खोले वो उतना खर्च होगा। तो शॉपिंग में अराउंड 100 to 200 रखते हैं, जो एवरी मंथ होता है ना, कुछ सेल चल रहा है अच्छा ले लेते हैं, कुछ अच्छा लगा तो ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, किसी मंथ बहुत ज्यादा ये भी पार हो जाता है, 300 भी हो जाता है, कभी कभी होता है कि इसी के बीच 100 में भी खर्चा हो जाता है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना शॉपिंग करते हो। अगर अपना घर ले रहे हो तब तो फिर शॉपिंग छोड़ दीजिए, तब तो इतने खर्चे होते हैं कि जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। हाँ, तो 100 to 200 यूरो एवरेज है, ये आप रख लें लड़की लोग प्लीज शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के लिए एक और खर्चा है जो फैमिली वालों के लिए है थोड़ा सा, वो है बच्चों को लेके। तो यहाँ पे जैसे बच्चे छोटे हैं, बॉर्न है 1 साल के बच्चे, और हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब अगर कर रहे हैं तो उसको डे केयर में रखना पड़ेगा। डे केयर यहाँ पे ना 3 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, डे केयर में जाते हैं, और यहाँ पे ना डे केयर का जो कॉस्ट होता है ना, 200 से लेकर 600 यूरो तक होता है। डिपेंड करता है कि किस सिटी में हो, किस एरिए में हो, फुल डे रख रहे हो या फिर हाफ डे रख रहे हो, इसके ऊपर प्राइस निर्भर। ये एक ना, ये जो अमाउंट आपको बताया ना, एक एवरेज है, एकदम प्राइस एक्चुअल नहीं, कितना ही इतना लगेगा वो नहीं है। 3 साल से बिलो जो बच्चे जाएंगे वो डे केयर में जाते हैं। अब चलते हैं 3 साल से ऊपर, 3 साल से 6 ईयर तक के बच्चे जाएंगे किंडरगार्डन में, और किंडरगार्डन का जो फी होता है ना वो भी आपको ही पे करता है, डिपेंड आप किस सिटी में हो, किस एरिया में। और यहाँ पे आपको ना किंडरगार्डन का जो फी है ना, आपको 300 यूरो तक पे करना पड़ेगा। सेम वही है लॉजिक, आपकी सिटी में हो, एरिया में, उस हिसाब से प्राइस लगता है। अब चलते हैं स्कूल की बात करते हैं। स्कूल जो 6 साल से 6 ईयर से जो स्टार्ट हो जाता है हमारा जर्मन स्कूल, तो यहाँ पे जर्मन स्कूल ना एकदम फ्री है, यहाँ पे आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। तो उसके बाद अगर आप बच्चे को बाइलिंगुअल में है कि हाफ जर्मन और हाफ इंग्लिश रखते हैं, उसमें अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको 400 to 800 यूरो लगता है। डिपेंड करता है कि आप, आपकी सैलरी क्या है, सैलरी बेसिस पे ये होता है, और डिपेंड करता है कि आपका एरिया सिटी कौन सा है उस पे निर्भर करता है। और साथ ही अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको वापस जाना है और बच्चे को इंटरनेशनल में पढ़ाना है, 1-2 साल के लिए हम जर्मन क्यों पढ़ाए, क्यों डाले, अगर इंटरनेशनल में पढ़ा रहे हो, तो आपका जो ये जो कॉस्ट है ना वो 900 से 1800 यूरो तक का आपका लगेगा। लिविंग कॉस्ट जो शेयर किया ना, एक रफली मोटा मोटा एक आइडिया है कि कितना जो है ना यहाँ पे आदमी लूटता है जर्मनी में, मतलब है कि एक आइडिया रफ मिल जाएगा। हाँ, कोई नया अगर आ रहे हो तो उनको चलो पता चल जाएगा, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं मालूम चलेगा। हाँ, क्योंकि बहुत चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ रफली जानो मंथली कितना लग जाएगा आपको ना, 2000 से ना 25-26 तक रख ही लीजिए। हाँ, आप कोरोना के बाद ना और बढ़ ही गया, तो मतलब एग्जैक्ट जो होता है ना खर्चा ना, हम आपके घर का नहीं बता सकते। ये एक ना मोटा मोटी रफली आइडिया है कि आपके ऊपर है कि आप कितना खर्चा करते हो। जैसे हम दोनों खर्चे ले, हम लोग का ना अब चलिए, अब हम लोग जो है इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे,
आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नया है सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर जरूर करें।